हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरमा वाजपेयी। स्वागत करती हूँ आपका टेली खजाना में। तो घर से आ रही है एक बहुत बड़ी अपडेट, और अब इस मोमेंट पे जहाँ पे जनता घर के अंदर आके एक इंसान को नॉमिनेट कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अपडेट आ चुकी है कि जर्नलिस्ट घर के अंदर जाएंगे, कुछ यूट्यूबर्स घर के अंदर जाएंगे और जो 5 सदस्य बचे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अलग अलग तरीके के सवाल पूछेंगे। और उसके बाद एक और नई अपडेट जो हर साल बिग बॉस में होता आया है, लालच की जो प्रक्रिया होती है, पैसे देने की जो प्रक्रिया होती है, हम सबको पता है 25 लाख रुपए माई ग्लैम में प्रियंका जीत चुकी हैं। उसके बाद 50 लाख से जो प्राइज मनी है वो 21,80,000 के आसपास कुछ बैठा है, और 50 लाख कितने भी टास्क आए उसमें हार ही गए और नहीं जीत पाए। अब पैसों से भरा ब्रीफ केस घर के अंदर आ चुका है। जो सेट से बड़ी अपडेट आई है वो यही है कि सेंटर टेबल पे पैसों से भरा ब्रीफ केस आ चुका है। टॉप 5 से टॉप 4 होने में कुछ ही टाइम लगने वाला है, पर कौन होगा वो सदस्य जो ये पैसे उठा के अपनी खुद की बिग बॉस की जर्नी खत्म कर लेगा। आपको याद होगा बिग बॉस में पारस छाबड़ा ने किस तरीके से पैसे उठा के अपनी जर्नी खत्म कर ली थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ये तो मुझे पता है कि क्लियर विनर शिव या प्रियंका में से कोई है, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं ब्रीफ केस उठाऊं, पैसे लूं और निकल जाऊं। और कभी कभी होता है कि आपको ट्रॉफी के लिए लड़ना बहुत पसंद होता है और आपको लगता है पैसे की लालच दिखाना बहुत ही गलत बात है, इसलिए आप कभी भी पैसे नहीं उठाते, सूटकेस नहीं उठाते। अब घर के अंदर बचे हैं 5 लोग, शालीन, अर्चना, प्रियंका, शिव और MC स्टैन, जिसमें से इतना तो मैं श्योर हूँ, 100% गारंटीड हूँ कि शिव, प्रियंका और MC स्टैन, ये तीनों में से कोई भी ब्रीफ केस को मुड़ के भी दोबारा नहीं देखेगा और ना ही उनके मन में सेकेंड थॉट आएगा। एक बात ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं अर्चना और जो शालीन है उनके मन में एक डाउट है, उनके मन में ये डाउट है कि एक बार दोनों लोग ये बैठ के बात भी कर रहे थे कि प्रियंका को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगी, वो कितनी बार कहती है कि ट्रॉफी लेके तो मैं ही जाऊंगी, तो हम यहाँ क्या करने आए हैं। अर्चना कितनी बार इस चीज़ का जिक्र कर चुकी है। पैसे को लेके अर्चना थोड़ी ज़्यादा भावुक भी है, क्योंकि जितनी बार पैसे गए हैं सबसे ज़्यादा जो लाउड रिएक्शन देखा गया है वो अर्चना की तरफ से देखा गया है। और जो शालीन है वो अम्मी जब उन्होंने टीना को घर के अंदर बुलाया था तब तो कह रहे थे कि अरे मैं दे दूंगा 25 लाख, हटाओ यार। तो मुझे नहीं लगता उनको पैसे का कुछ है इतना बड़ा वो। तो अर्चना गौतम हो सकती हैं वो सदस्य जो पैसे लेके घर के बाहर निकले, और मुझे लगता है समझदारी भी है। अर्चना गौतम को पैसे लेके घर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब तक की जो उनकी जर्नी है वो अच्छी रही, लोगों ने उनको प्यार दिया, उन्होंने अपना नाम बनाया। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंसान 4-5 गलतियाँ कर ही देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी जनता उनके अगेंस्ट हो। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई खड़ा रहेगा ही। उसी तरीके से जनता जो अर्चना को प्यार करती है वो एग्जिस्ट करती है, और वो सब यही चाहेंगे कि क्योंकि जीतने की चांसेस अर्चना के बहुत कम है शिव, MC स्टैन, प्रियंका के सामने, तो उनको ब्रीफ केस उठाना चाहिए और अपना काम निकालना चाहिए। नाम बना चुकी हैं, अब बचा है पैसे बनाने का काम। जो सबसे ज़्यादा भावुक होती हैं पैसों को लेके, तो जो नाम आ रहा है वो है अर्चना गौतम, जो मनी ब्रीफ केस उठा के घर से बाहर जाएंगी और टॉप 4 कंटेस्टेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, प्रियंका, शिव, MC स्टैन और शाली। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।